मेंढक नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ से काफ़ी ही जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब यह पानी गोपालगंज से निकलकर सिवान में प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर सिवान के लकड़ी नबीगंज पंचायत में तबाही मचाए हुए है। इस बाढ़ के पानी ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। आप दृश्यों में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कैसी ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये अपना सामान बाढ़ के पानी से निकाल कर नहर पर ला रहे थे, इसी क्रम में इनका पैर फिसल गया जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। ये लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मुशहरी के ब्रजकिशोर महतो हैं जिनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। देखिए काफ़ी ही मर्माहत दृश्य है। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, गांव के लोग हैं और अभी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह भी बाहर बाढ़ राहत शिविर चला रहे हैं। इसी क्रम में ये इस मौके पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए बात करते हैं। क्या कुछ कहना है, कैसे इनकी मृत्यु हो गई? क्या कुछ कहना, इसमें क्या है, मृत्यु हो गई, ये सरकार की लापरवाही के कारण से मृत्यु है। कितनी जान लेगी यह बाढ़ और कितनी जान लेगी ये सरकार, आपको नहीं पता। अभी तक हमेशा जान तो ही इंसानों की ले रही है सरकार। देखिए ना विधायक ये थाना वहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी सिटिंग हो रही है और जान यहाँ चला गया है। कोई नहीं जा रहा है। क्या विडम्बना है, क्या मजाक है, जान यहाँ गई है और परेशान वहाँ लोग बैठे हुए हैं। डर है थाना को, विधायक जी को, BDO साहब को, क्या चीज़ का डर है उन लोगों का कि यहाँ नहीं आ रहे हैं? अरे आपका परिवार है, आपका भाई, आपका बेटा होगा, दुनिया में नहीं है आज। और लोग गांव के लोग कह रहे हैं कि हम लोग खबर कर दिए, वही लोग खा रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या करें, हम नहीं जानते। आइए, एक बेचारा गरीब, हमेशा गरीब मरता है भाई, आपदा हो, विपदा हो, सरकार की गलत नीति हो, कुछ भी हो, अमीर कहीं मरता है? देखे हैं बाढ़ में डूबकर अमीर को मरते हुए? गरीब किसी अमीर का घर उजड़ता है, ढहता है, हमेशा झुग्गी झोपड़ी गरीब का ढहता डूबता है। अनाज किसी अमीर का सड़ता हुआ देखते हैं, गरीब का सड़ता है। मवेशी किसी अमीर का देखे हैं, इसलिए गरीब है, आज गरीब मरा है। और ये गरीब के प्रति ना सरकार है, और आश्चर्य है कि हम सब मृत आत्मा के सामने खड़े हैं, बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा, परिवार कैसे जिएगा, परवरिश चला रहे थे पूरे परिवार का ये, और इनके बाल बच्चे परिवार को कौन देखेगा। अभी BDO साहब को फ़ोन लगाए, पता नहीं किस मजबून में, हमको कह रहे हैं CO साहब के जुडिशन में। मानवता के नाते भी BDO साहब ने ये नहीं समझा कि हम आए, हम झगड़ा तो किसी BDO CA किसी कलेक्टर से नहीं करेंगे, लेकिन जनता की सिर्फ सेवा करेंगे। इस बिगुनाह को, परिवार को कौन देखेगा? यदि दुनिया में कोई नहीं देखा, पप्पू यादव की पार्टी और परिवार हम सब लोग देखेंगे, हम देखेंगे इस परिवार को, कोई नहीं देखा तो। हम गुजारिश करेंगे अविलंब आवे विधायक जी, अविलंब आवे BDO साहब, कलेक्टर साहब, और जो भी आपदा में जो भी इस परिवार को मिलना चाहिए वो मिले। ये तो नहीं रहे दुनिया में, अभी लौट कर नहीं आएंगे। परमात्मा और अल्लाह वही इनको वापस कर सकते हैं, शायद वो भी हाथ खड़े किए हैं इंसान के नाते। आज हम सब हैं तो इस बाढ़ जो आई है वो कितने जिंदगानियों को निगलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अभी एक जो व्यक्ति हैं इनकी मृत्यु हो गई है बाढ़ के पानी में डूबने से, और काफ़ी ही मर्माहत दृश्य है। वो लत भी छिल गया है उसका, वही चौकों में दबा गया है। अच्छा, चौकों में दबा गया। हाँ, उसका लोग दौड़ते तब छाना है, तब वो नहीं बचे हैं। नहीं बचे, नहीं। क्या नाम है इनका? इनका ब्रजकिशोर महतो नाम है। आपका नाम? हमारा नाम जितेंद्र पड़ेगा। अच्छा, आपका घर डूब गया है पानी में? हाँ, घर डूब गया सर, जाके देख लीजिए। अच्छा, नार के जरी घर है, घर डूबा है। क्या किया जा रहा है, डेड बॉडी पड़ी है, प्रशासन आया है? प्रशासन आया है, बाकी AG नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, प्रशासन सब वहीं पे है, वहीं पर पुल पर, नया पुल पर बना है ना, तो वही है।
फैब्रिक हाउस पोर्टा केबिन आर्टिफिशियल दीवार भूकंप रोधी फायर रेजिस्टेंस लाइट वेट स्पेस सेविंग इको फ्रेंडली घर कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।